शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के पास से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ है और ये क्रेडिट कार्ड बता रहा है कि शिवसेना के विधायक जो हैं उनका कोई ना कोई पाकिस्तान से रिश्ता है। ये वो हैं विधायक जो कि कंगना रनौत ने जब ये कहा था कि मुंबई पीओके बन गया है और यहाँ आने में भय लगता है, तब इन्होंने उसको धमकी दे वाले लहजे में कहा था कि मेरी जो महिला विंग है वो तुम्हारा घर में जाके तुम्हारा मुंह तोड़ देगी। और जब पत्रकारों ने कहा कि आपने ऐसी भाषा क्यों बोली है, जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपत्ति की तो इन्होंने जवाब दिया कि जो कंगना रनौत है वो ऐसा कैसे कह सकती है कि मुंबई पीओके हो गया, पीओके में तो पाकिस्तान का अंग है। इनको ये नहीं पता कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इन्होंने कंगना रनौत के इस बात को लेकर के इतना बवाल मचाया कि इन्होंने अपनी बीएमसी को आदेश दिया और उसकी ऑफिस की छजली तक गिरा दी। उसमें नोटिस देकर ये भी इन्होंने गवारा नहीं समझा कि उसमें जवाब देने का इंतजार ये करें, क्योंकि इनका एक कल्चर है शिवसेना का कि जो भी इनसे सवाल पूछ ले ये उसको पूरा मुंह बंद करने के लिए धमकी देते हैं, या तो मारते हैं या तो उसको ऐसा फंसा देंगे शिकंजे में कि शासन प्रशासन पूरा कुछ उपयोग करके। और जिस तरह से हमने देखा कि रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए इन्होंने पूरी साजिश की कि फर्जी टीआरपी जिसमें रिपब्लिक का नाम नहीं है उस चैनल का इन्होंने नाम डालकर और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर जवाब सवाल करते हैं और सवाल उठा रहे हैं रिपब्लिक पर, जबकि वो जो मूल प्रार्थना पत्र था हंसा रिसर्च का उसमें नाम किसका था, इंडिया टुडे ग्रुप का। ये इन्होंने सिद्ध किया कि जो हमसे सवाल करेगा हम उसकी जुबान बंद करने के लिए हर कोई कदम उठा सकते हैं। इन्होंने कंगना रनौत को परेशान किया पीओके के कहने के ऊपर, लेकिन आज उद्धव ठाकरे क्या जवाब देंगे कि उनका जो प्रताप सरनाइक विधायक है उसके पास पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड कर क्या रहा है, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब तो यह है कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो पाकिस्तान के पैसों पर पल रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ईडी ने बरामद किया है और ईडी को पता चला था कि शिवसेना का ये जो प्रताप सरनाइक है ये एक ऐसा विधायक है जो अब से कुछ ही साल पहले केवल थ्री व्हीलर चलाया करता था। जी हाँ, कुछ साल पहले तक थ्री व्हीलर चलाने वाला एक व्यक्ति, साधारण से भी नीचे की रेखा में रहने वाला एक व्यक्ति आज लगभग 500 करोड़ का मालिक है। एक व्यक्ति कुछ ही साल में अचानक 500 करोड़ का मालिक बन गया, तो सवाल तो उठता है कि उसके आय का स्रोत क्या है, आखिरकार वो ऐसा करता क्या है। तो ईडी वो केंद्रीय एजेंसी है जो इस तरह के मामलों की जांच करती है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, उसका फर्ज बनता है कि यदि कोई संस्था, कोई व्यक्ति या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है उसके खाते में अगर कुछ अचानक से धन आ रहा है और वो धन करोड़ों में हो तो उसका फर्ज है कि वो उससे पूछे कि आप बताइए ये आपकी आय का स्रोत क्या है, ये जो विदेशों से ट्रांजेक्शन हुई है ये किसके कारण से हुई है, ऐसा आप क्या करते हैं कि विदेशों से अचानक आपके खाते में पैसा आना शुरू हुआ। और यही पूछताछ ईडी ने प्रताप सरनाइक से की, तब शिवसेना के उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये पूरे आग बबूला हो गए और इन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके विधायकों और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। क्यों भाई, अगर आपका कार्यकर्ता, अगर कोई शिवसेना का विधायक अचानक से कोई धन अर्जित करता है और वो भी जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, दो नंबर से कमाया गया धन क्या वो शिवसेना का विधायक या कार्यकर्ता है तो इसलिए वो वैध हो जाता है क्या, नहीं। और इसलिए पूछा तो आग बबूला होने की जरूरत क्या है। आप धमकी देने के लहजे में बात करते हो कि हम केंद्र सरकार अगर ऐसा करेगी वैसा करेगी, अगर हमारी सरकार गिराने की कोशिश की तो, भाई सरकार कौन गिरा रहा है, आपके एक विधायक जो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यदि वो कुछ साल पहले तक एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और आज अचानक 500 करोड़ के मालिक हो गए तो ईडी अगर उनसे पूछताछ कर रही है इसमें हर्ज क्या है, तो आप धमकाने पे उतर जाते हो। और वह जो प्रताप सरनाइक है ये पाकिस्तानी कनेक्शन आज सामने आता है, ईडी ने खुलासा किया है
कि पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करते हैं बाकायदा, और कई देशों का ट्रांजैक्शन इनके खाते में हुआ है। तो इनसे जब जवाब तलब हुआ तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरी एक सिक्योरिटी एजेंसी है, मैं सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रहा हूं लोगों को। तो भाई ये एक समझ में आता है कि इस देश में कितनी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराने वाली एजेंसियां ऐसी हैं कि जिनको एक साल में 100 करोड़ की आमदनी हो गई हो? बड़ा आश्चर्य है। खैर ये जवाब तो प्रताप सरनाइक को ईडी को देना है कि ये पैसा कहां से आया। लेकिन अब सवाल मेन ये उठता है कि ये पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड आखिरकार आप यूज कर रहे हो, इस पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है? और इस पर आपको बताऊं, कंगना रनौत ने सबसे ज्यादा चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आप मेरा को पीओ के कहने पर मेरा मुंह तोड़ने की धमकी दे रहे थे सरनाइक जी, अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या मुंबई को पाकिस्तान बनाने चले हैं। और उसने जवाब तलब कर, उसने ट्वीट करते हुए चुटकी ली है। तो प्रताप सरनाइक जी अब आपको जवाब देना है, और उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत आप भी जो लोगों को तंज कस रहे थे और केंद्र सरकार भाजपा को कोस रहे थे कि वो आपके कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, वो जांच एजेंसियों के बहाने और वो आपके सरकार को गिराना चाहती है, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आपके पास कोई जवाब है कि आपका एक विधायक, पहला जवाब तो ये दीजिए कि आपका एक विधायक कुछ साल पहले तक अगर वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, आज उसके पास 500 करोड़ कहां से आए? क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो प्रताप सरनाइक है ये उद्धव ठाकरे के परम मित्रों में है, बिल्कुल क्लोज हैं। तो ऐसा क्या मिलकर के उद्धव ठाकरे कर रहे हैं इनके साथ बिजनेस, जिसमें करोड़ों रुपए का बेनिफिट हो रहा है? आखिरकार जवाब तो बनता है, और उद्धव ठाकरे जी को भी जवाब देना चाहिए कि उनका कोई इतना निकट का व्यक्ति अगर वो एकदम करोड़पति बन गया तो ऐसा क्या बिजनेस है भाई? बताओ जरा देश को, हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा इस बिजनेस को कर लें कि एक साल के अंदर 100 करोड़ की आमदनी हो जाए, कुछ ही साल में 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, पूरे देश को बताओ, पूरे देश के लोग करोड़पति हो जाए। और शिवसेना में ही हजारों लोग हैं जो उसके कार्यकर्ता हैं और इस तरह के कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी बताओ जरा। तो उद्धव ठाकरे जी कृपया देश को बताएं, लेकिन आप नहीं बताएंगे, आप सवाल पूछने वालों की जुबान बंद करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने रिपब्लिक चैनल के मालिक अर्णब गोस्वामी की जुबान बंद करने की कोशिश की क्योंकि उसने पाल घर पर सवाल पूछा। आप कोई जवाब नहीं देंगे, आप सवाल करने वालों का जुबान बंद करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने अर्णब गोस्वामी की जुबान बंद करने की कोशिश की, जिस तरह से आपने कंगना रनौत को डराने की कोशिश की और उसका ऑफिस तक गिरा दिया बिना नोटिस दिए, शॉर्ट नोटिस पर। आपको शर्म जब भी नहीं आई कि जब वहां मुंबई की हाई कोर्ट ने आपको लतार लगाई और आपको कहा कि आपने ये गलत कार्रवाई की थी और अब आप इसका हर्जाना भगरिए, जो भी आपने तोड़फोड़ की है उसको रिपेयरिंग करिए और इसका मुआवजा भी दीजिए, आपको करोड़ों रुपए की चपत लगी है। लेकिन आप बहाने से बच जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। शिवसेना अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की खुली छुट्टी देकर एक बार तो सत्ता में आ गई है, लेकिन अगली बार चुनाव में आप क्या कह के जाओगे, आप क्या कह के वोट मांगोगे? आपको अपना पारदर्शी चेहरा दिखाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि जो जमीन घोटाले खुल करके आ रहे हैं, जिनका जो है आए दिन जो है क्रीट सुमैया खुलासा कर रहे हैं, जो भर्ती घोटाला वो कर रहे हैं, जो बिजली घोटाले का खुलासा क्रीट सुमैया ने किया है, आपके पास जवाब है क्या उनका? आपके पास जवाब नहीं होगा। और सवाल पूछने वालों को आप डराएंगे, धमकाएंगे या तो घर में जाके उनको मारेंगे, आपके पास यही जवाब है, यही आपका काम करने का तरीका है। तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी, आप अपने संजय, ये जो आपके प्रताप सरनाइक है, इनको आप कृपया करके पूछिए कि पाकिस्तान से धन लेकर ये अपने किन धंधों में लगा रहे हैं? क्या इनका कोई ड्रग माफियाओं से कनेक्शन है? क्या इनका बॉलीवुड की ड्रग पार्टियों से कोई कनेक्शन है? या कोई मुंबई में ये अवैध धंधा चला रहे हैं जिसके कारण ये करोड़ों रुपए की आमदनी इनको हुई है? और परमवीर सिंह जो आपके मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनका जो रवैया रहा है, जिस तरह से ढुलमुल रवैया उन्होंने इस जांच में अपनाया है, जिस तरह से बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है, जितनी भी ड्रग माफियाओं के खुलासे कर रही है वो ईडी कर रही है जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है। लेकिन आप तो कहते हो कि बॉलीवुड तो गंगा की तरह पवित्र है, आप बॉलीवुड को पूरी क्लीन चिट देते हैं,
आप एक केवल पिन पॉइंट करते हैं कंगना रनौत को, क्योंकि कंगना रनौत ने आपसे सवाल पूछा। आप सारे पत्रकारों से खुश हो और आप आज तक में बैठ करके इंटरव्यू देते हो। आपका बेटा जो है उद्धव आदित्य ठाकरे, वो आज तक में ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान और राजनीति के समझदार हैं, और वहां वो इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर पसंद नहीं आता तो वो रिपब्लिक और अर्णब गोस्वामी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछता है। आखिरकार क्यों आप जनता के जवाबदेही में हैं? आप यूं तो कहते हो कि हम जन सेवक हैं, तो जनता के सेवक हो तो जनता की सेवा करो, और जनता जो जवाब पूछती है वो जवाब भी दो। मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो आपको सेवा के काम करने हैं वो आप करिए, लेकिन वो ना करके आप कांग्रेस का ही एजेंडा चला रहे हो और कांग्रेस की ही नीतियों को पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में लागू कर रहे हो। उनके जो नेता हैं वो मलाई मार रहे हैं, और जो स्टिंग में खुलासा हुआ कि वो किसी एक पत्रकार और चैनल के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको खत्म करने के लिए हर नियम कायदे कानून को तोड़ने में आमादा है। अब आपके विधायक फंसे हैं पाकिस्तानी कनेक्शन में, तो आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन देश है, तो क्या कोई ऐसी डील आपकी पाकिस्तान से हुई है या आपके मित्र की, कि जो आप दुश्मन देश से समझौता करके वहां से पैसे मंगाकर अपने जिंदगी को ऐशो आराम से चला रहे। वंदे मातरम।